Now we will study our next lecture, that is the Pitts-India Act 1784. Already we have discussed the Regulating Act 1773 as well as the Bengal Judicature Act 1781. Pitts-India Act बहुत important act है 1784 का, और ये पास इसलिए किया गया था क्योंकि 1773 में जो Regulating Act पास किया गया था उसमें बहुत सारे defects थे, और जो पर्पस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेगुलेट करने का एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता दिख रहा था, या एक प्रॉपर कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर दी एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि करप्शन ब्राइब्स की जो प्रॉब्लम थी, वो प्राइवेट ट्रेड की प्रॉब्लम थी, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे वो ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके ऊपर इन्होंने बैन लगाया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के से। वो जो करप्शन और ब्राइब की जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी बदस्तूर जारी थी, वो अभी भी थी प्रॉब्लम, करप्शन में अभी भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, उनकी कंप्लेंट्स अभी भी उनको मिल रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनसफिशेंट है टू फुलफिल दी टू एक्सरसाइज दी कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो इट इज़ नाउ नेसेसरी, बिकॉज इट वॉज इनसफिशेंट, सो इट इज़ नाउ नेसेसरी टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल, और टू इंट्रोड्यूस सम डिफरेंट मैकेनिज्म टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, वो कुछ और क्या करना पड़ेगा, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उन्होंने बताया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक तरह से आप कह सकते हो माइलस्टोन है, एटलीस्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे या फिर इसके हम डिसीजंस पढ़ेंगे क्या हुआ था इसमें। तो इम्पोर्टेंस क्यों है, इसमें सबसे पहले ब्रिटिश पोजेशंस बोला था, जो भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई की थी, जिस पे वो रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी ना अभी तक, तो इन्होंने उस टेरिटरी को बोला ब्रिटिश पोजेशंस, यानी कि कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई या ये सिग्निफाई करता है दैट द क्राउन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियरली एक्सरसाइज इट्स सोवरेनिटी ओवर दी टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय दी ईस्ट इंडिया कंपनी, कि सोवरेनिटी फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट की है उन टेरिटरीज के ऊपर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो उसको ब्रिटिश पोजेशंस बोला फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट था। एंड सेकंड पॉइंट, ब्रिटिश पोजेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम बोला, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इन्होंने स्टैब्लिश किया। सो दे हैव स्टैब्लिश अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द BEIC। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की इन्होंने इसके माध्यम से। तो ये हम वैसे मेनली उसमें पढ़ेंगे इनके रिकमेंडेशंस में। तो इम्पोर्टेंस तो यही थी कि ब्रिटिश पोजेशन बोला था, और साथ में इम्पोर्टेंस इसलिए भी थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको ग्रेटर पावर दी गई थी, और ज़्यादा पावर दे दी गई थी ओवर गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ग्रेटर पावर बॉम्बे एंड मद्रास। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई थी, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी इसके माध्यम से। ठीक है, अब इसकी रिकमेंडेशन एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा हमें।
ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सेंट्रलाइज किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, या इसमें लिख लीजिए सेंट्रलाइज्ड, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया गया था, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश पोजेशंस बोला था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलो व्हाट आर द रिकमेंडेशंस। क्या रिकमेंडेशंस थी इसकी? पहली रिकमेंडेशन क्या थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है इसमें। बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? एक कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो बनाए हुए थे, 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो कि सारे जो सर्वे सर्वा थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो रिपोर्ट करते थे सारा मिलिट्री एक्सपेडिशंस, सिविल गवर्नेंस जो भी वो करते थे, सिविल डिसीजंस जो भी लेते थे, मिलिट्री डिसीजंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन जो भी था सब वो रिपोर्ट करते थे। बट ग्रेटर कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था ब्रिटिश क्राउन के लिए कि जो भी रिपोर्ट्स उनको मिलती हैं, एक तो प्रॉपरली प्रॉपर वो रिपोर्ट जो मिल रही है उसको कौन स्टडी करेगा, कौन उसको देखेगा, कौन उसके हिसाब से चेंजेस अप्लाई करेगा, अप्लाई मतलब कौन बताएगा कि ये ठीक है नहीं है, ये ठीक है, ये रिपोर्ट को एनालाइज कौन करेगा, इंट्रोस्पेक्ट कौन करेगा, उसके ऊपर डेल्व कौन करेगा, ठीक है ना, उसके ऊपर कौन डिटेलिंग कौन करेगा उस रिपोर्ट के ऊपर, या क्या डिसीजन लेना है उस रिपोर्ट के ऊपर, उसके डिफेक्ट्स के ऊपर, शॉर्टकमिंग्स के ऊपर, वो बेसिकली बहुत प्रॉब्लम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो कि ये सब काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 6 मेंबर्स थे इसके, 1 चांसलर ऑफ एक्सचेकर, 4 मेंबर्स ऑफ प्रिवी काउंसिल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भी रिपोर्टिंग थी, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या हुआ, अब इसमें एक डिवीजन किया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, एक डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की, एक डुअल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई। कैसे? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके पास तो गए सारे रेवेन्यू मिलिट्री सिविल डिसीजन वो एक्सरसाइज करेंगे, सिविल मतलब उनका कंट्रोल रहेगा, यानी कि उनका कंट्रोल कैसे रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, सेक्रेटरी जो गवर्नर जनरल थे और इनकी काउंसिल थी, डिसीजंस वो लेगी, बट डिसीजंस लेने के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्वियसली उसको अप्रूव करेंगे, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करना होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो वो ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट क्या थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये फंक्शंस थे और ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या फंक्शंस थे, ट्रेडिंग का, ट्रेड कंपनी भी तो थी, ट्रेडिंग कंपनी यानी कि कमर्शियल। तो एक तरह से दिस एक्ट हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के दोनों फंक्शंस थे बट डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंशिएट किया, क्योंकि द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी हैव बीन परफॉर्म बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बट द ट्रेडिंग कंपनी, अब ट्रेडिंग फंक्शंस जो थे, जो वो ट्रेड करती थी, फंक्शंस जो ट्रेड करती थी, वो जो भी फंक्शंस थे वो किसके कंट्रोल में रहेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही कंट्रोल में रहेंगे। कंपनी जो भी करेगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही कंट्रोल में होगा, उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेडिंग का वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ही लेना देना है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और ये रेवेन्यू मिलिट्री सिविल ये गवर्नर जनरल डिसीजन लेगा इसके ऊपर, बट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये पावर है
कि किसी भी डिसीजन को वो वीटो कर सकती है, नलीफाई कर सकती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की भी पावर नहीं थी। उसमें पावर किसकी थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की ऑब्वियसली थी, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल की फाइनल पावर थी, ठीक है। बट इसमें ट्रेडिंग में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर थी। तो एक तरह से दिस एक्ट डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। सो कमर्शियल इज कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस आर बीन कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एक ये मेजर रिकमेंडेशन थी। सेकेंड रिकमेंडेशन ये आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की। ये डुअल है ना, दो गवर्नमेंट हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। सेकेंड रिकमेंडेशन, जो गवर्नर जनरल मैंने आपको बताया था और उनकी काउंसिल थी, तो काउंसिल में चार मेंबर्स थे, वो तीन कर दिए गए। पहले फोर थे, फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, और ये वन थी। तो गवर्नर जनरल में की काउंसिल में तीन मेंबर्स दे दिए गए, वन प्लस थ्री, ठीक है, इंक्लूडिंग कमांडर इन चीफ, इंक्लूडिंग जैसे उसमें थे, इंक्लूडिंग इसमें भी कमांडर इन चीफ तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। और साथ में उसमें मेजोरिटी के बेस पर डिसीजन लेते थे, इसमें गवर्नर जनरल को ऑब्वियसली इसमें भी मेजोरिटी पे डिसीजन लेंगे, मेजोरिटी पे। बट गवर्नर जनरल को एक कास्टिंग वोट भी दे दिया गया, गवर्नर जनरल गोट अ कास्टिंग वोट, ठीक है। उसमें तो बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि गवर्नर जनरल को काउंसिल के डिसीजन के हिसाब से चलना पड़ता था, मेजोरिटी के हिसाब से ऑब्वियसली। तो काउंसिल अगर चाहेगी तो अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करवा सकती है, बट इसमें क्या है, गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट हो गया। तो क्या हुआ, चार मेंबर्स हैं, एक गवर्नर जनरल है और तीन और हैं। तो मान लीजिए एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री। गवर्नर जनरल ने बोला वाई, एक्स वन ने बोला वाई, एक्स टू ने बोला नो, एक्स थ्री ने बोला नो। तो क्या हुआ, इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हुआ तो कास्टिंग वोट किसका है, गवर्नर जनरल का। तो गवर्नर जनरल का कास्टिंग वोट है, वो बोलेगा वाई, तो क्या हुआ वाई, तो वाई तो ये जीत गया, ठीक है ना। इसके तीन हो गए ना, वन टू थ्री। तो यानी कि गवर्नर जनरल इस केस में केवल एक मेंबर भी अगर उसके साथ है, एक मेंबर ओनली, सिंगल मेंबर भी अगर गवर्नर जनरल के साथ है, तो भी गवर्नर जनरल कैन इंप्लीमेंट हिज डिसीजन। जो भी वो डिसीजन लेना चाहता है कैन हैव हिज वे, अपना वे वो रख सकता है, यानी कि उसका वे ही माना जाएगा गवर्नर जनरल का। एक एक्स वन ही तो उसके साथ था, क्योंकि इसको कास्टिंग वोट मिल गया। कास्टिंग वोट क्या होता है, जब इक्वल हो जाता है, कोई डिसीजन नहीं लिया जाना पाता, तो एक बंदे जिसको कास्टिंग वोट देते हैं वो अलग से एक एक्स्ट्रा वोट डाल सकता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के पास एक तरह से दो वोट हो गए, एक तो नॉर्मल वोट वो डाल ही रहा है, बट अगर इक्वल हो गया, डिसीजन नहीं हो पा रहा, तो कास्टिंग वोट उसका माना जाएगा। सो कास्टिंग वोट उसको मिल गया, ठीक है, ये एक चेंज हुआ, ठीक है। देन थर्ड, अच्छा 1773 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया था ना चार्टर, ये मैं भूल गया था बताना। 1773 में उनका ट्रेडिंग चार्टर, कमर्शियल फंक्शन, जो भी ट्रेड कर रही थी वो हम 20 साल के लिए बढ़ा दिया था टिल 1793, ठीक है। अच्छा थर्ड पॉइंट, गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर्स दी गई ऑफ बंगाल को ओवर दी मोर पावर्स ओवर दी, जैसे मैंने आपको बताया, ओवर दी गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, इनके ऊपर ज्यादा पावर दी गई। तो क्या ज्यादा पावर्स दी गई, 1773 में भी वो सबोर्डिनेट किए गए थे मद्रास एंड बॉम्बे गवर्नर प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को, बंगाल के सबॉर्डिनेट ही थे इन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बट इसमें ज़्यादा पावर्स दी गई।
उसमें क्या है ना, मैंने आपको बताया था मेजरली फॉरेन अफेयर्स वाली पावर्स थी, यानी कि उनको अगर कोई भी वार वेज करनी है या फिर कोई ट्रीटी कंडक्ट करनी है तो दे हैव टू गेट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बट इस केस में क्या है कि इनको ज़्यादा पावर्स दी गई, यानी कि मिलिट्री में भी पावर्स दी गई ज़्यादा, रेवेन्यू में भी ज़्यादा पावर्स दी गई, एंड ऑब्वियसली डिप्लोमेसी में तो दी ही गई थी, यानी कि फॉरेन अफेयर्स में, तो इन सब में ज़्यादा पावर्स दी गई इसको, यानी कि रेवेन्यू जो भी ये कलेक्शन कर रहे थे उस रेवेन्यू कलेक्शन एंड डिप्लोमेसी सबके ऊपर, यानी कि जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैन यू नो हैज टू अप्रूव दोज डिसीजन और इट कैन वीटो द डिसीजन टेकन बाई द गवर्नर्स। उसको ज़्यादा पावर दी गई, इसका मतलब सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई, एक सेंट्रल बॉडी है उसके पास ज़्यादा पावर है, वो आपके ऊपर सुपरसीड करेगी आपके डिसीजन को, ठीक है। तो ये कोई भी डिसीजन लेंगे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको कभी भी सुपरसीड कर सकता था वाया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट? सो मेजर तो यही थे पॉइंट्स। ठीक है, मेजर यही पॉइंट्स थे। एक दो पॉइंट्स माइनर पॉइंट्स हो रहे हैं, आई विल गेट यू एक्सप्लेन यू दोस पॉइंट्स आल्सो। और साथ में वहाँ पे जो गवर्नर्स थे उनको भी एक काउंसिल का गठन किया गया, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर्स को उनकी काउंसिल दी गई जिसके 3 मेंबर्स होंगे, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास 3 मेंबर्स थे तो उनके में भी एक काउंसिल का गठन कर दिया गया, जो कि 1773 में नहीं थे काउंसिल उनके पास, केवल गवर्नर्स ही थे। इसमें एक काउंसिल का गठन किया गया जिसके माध्यम से वो डिसीजन बेसिकली डिसीजन लेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो कि जो भी उनको एग्जीक्यूशन करना है और वट एवर सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू जो भी जिस भी एरिया में फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो अपनी काउंसिल और गवर्नर जनरल गवर्नर डिसीजन लेके उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा द मेंबर्स ऑफ दी, अच्छा जो मेंबर्स है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, दे हैव टू बी अपॉइंटेड बाय द क्राउन, ठीक है ना, तभी एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन ही होगा ना, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में है सारे सिविल मिलिट्री एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ द कंपनी, यानी कि पॉलिटिकल फंक्शंस, तो इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा। ठीक है, सो दिस इज दीज आर दी मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट, एंड नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफेक्ट्स। इसके डिफेक्ट्स बहुत ही सिंपल हैं समझने के लिए, एक तो यही सबसे बड़ा डिफेक्ट है, सेंट्रलाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेशन को, जबकि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, एक बंदे को ज़्यादा पावर दी गई तो ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेसी को बढ़ावा दिया गया, वो ज़्यादा ऑटोक्रेटिक डिसीजंस ऑटोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि वो ऑटोक्रेसी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो उनके डिसीजन को सुपरसीड कर सकता है, इट कैन एक्ट एज एन ऑटोक्रेट द बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास बहुत पावर दी गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पावर ले ली गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, तो कहीं ना कहीं जो डुअल गवर्नमेंट थी उसकी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि कमर्शियल फंक्शंस उनके पास ही थे कंपनी के पास, बट सारे पॉलिटिकल फंक्शन चले गए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, कंट्रोल उन्हीं का था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि दो पावर सेंटर्स हो गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग पावर सेंटर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग पावर सेंटर था, तो कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम मुश्किल थी, कंपनी के ऑफिशियल्स के लिए, कंपनी के सर्वेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट में दे हैव टू रिपोर्ट टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड इन सम अदर डिपार्टमेंट इट हैज टू बी रिपोर्टेड टू द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सो देयर आर टू पावर सेंटर्स, और आप जानते हैं अगर दो पावर सेंटर्स हों एक कंपनी में
तो इट इज़ टू डिफिकल्ट टू फंक्शन, तो बहुत मुश्किल हो गया था फंक्शन करना. सो दिस इज द मेजर डिफेक्ट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ठीक है, इसके बाद आया क्योंकि ड्यूअल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स थी, तो इसके बाद नेक्स्ट आया 1786 का मेंडिंग एक्ट. ठीक है, द एक्ट ऑफ इट इज़ कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 एक्ट ऑफ सेटलमेंट. ठीक है, ये आया कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट हो रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो कॉर्नवालिस ने ये शर्त रखी कि मुझे ज़्यादा पावर्स ऑब्वियसली दी जाएं, तो वीटो पावर दी गई लॉर्ड कॉर्नवालिस को. तो वो 1786 अमेंडिंग एक्ट में दी गई. मैं 1786 नेक्स्ट लेक्चर में सो 2-3 पॉइंट्स हैं, तो 1786 हम इसी लेक्चर में देख लेते हैं, देन 1793 का चार्टर एक्ट हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो 1786 का अमेंडिंग एक्ट देख लेते हैं. तो 1786 का अमेंडिंग एक्ट, इट इज द एक्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786. ठीक है, ये एक और एक्ट आया 1784 में पिट्स आया, ये आया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला. लॉर्ड कॉर्नवालिस 85 में अपॉइंट हुए थे एज दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है, और इन्होंने ये शर्त रखी थी आने से पहले कि मुझे ज़्यादा पावर्स दी जाए. तो क्या चेंज किया था इसने, इस एक्ट ने क्या चेंज किया था, जो 1+3 थे है ना 1+3 थे, तो इसने क्या किया था, जो कमांडर इन चीफ था वो इसको बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम कमांडर इन चीफ, उनको ही कमांडर इन चीफ बना दिया गया. ठीक है, एक तो ये चेंज किया और दूसरा वीटो पावर मिल गई इनको. किसको वीटो पावर, कॉर्नवालिस को दे दी गई. 2 ओवरराइड डिसीजन ऑफ द काउंसिल. ठीक है, ये दो पावर्स 1786 एक्ट के माध्यम से दी गई. गवर्नर जनरल बिकम्स कमांडर इन चीफ ही बन गए थे. 1+3 ऐसे ही रहा, बट जो तीन मेंबर्स अलग से थे उसमें तीन अलग रहेंगे ये ऑब्वियसली, बट ही बिकम्स ही कमांडर इन चीफ. तो कमांडर इन चीफ यहाँ से चले हटके यही हो गए थे, तो ही बिकम्स ही कमांडर इन चीफ और तीन ही अलग मेंबर्स होंगे. एंड वीटो पावर दी गई कॉर्नवालिस को स्पेसिफिकली टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. तो अब कास्टिंग वोट वगैरह 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 से कोई मतलब नहीं है, वो जब भी चाहे वीटो कर सकता है कोई भी डिसीजन कोई भी होए. अगर वो नहीं चाहता इम्प्लीमेंट होना करना, तो मान लीजिए 1+3 है, तो ये तीन ने कोई एक डिसीजन ले लिया और ये इन्होंने बोला भाई, इन तीनों ने बोला नो, तो नो माना गया. बट क्योंकि ये वीटो पावर एक्सरसाइज की अगर इन्होंने, तो वाई ही माना जाएगा, नो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये 1786 में क्या. अब नेक्स्ट हम चार्टर एक्ट 1793 पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट 1793. ठीक है, थैंक यू.